चलिए देखिए, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज टाइम एंड वर्क का चैप्टर होने जा रहा है, और टाइम एंड वर्क में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसके बारे में जान क्या भी टाइम एंड वर्क होता क्या। टाइम एंड वर्क जानना उतना ही जरूरी है जितना कि आप सब्जी बनाते हैं और कोई बिल्डिंग खड़ा करते हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, उतना ही जरूरी है आपका टाइम एंड वर्क। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सामग्री का जरूरत पड़ता है। जैसे मैं मान चले कि आप बिल्डिंग खड़ा करते हैं यानी घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है? सीमेंट होना चाहिए, बालू होना चाहिए, गिट्टी होना चाहिए, हाँ बहुत सारा चीज है जो कि आपको जरूरत होता है। एक सब्जी बनाने के लिए भी सबसे पहले सब्जी जरूरत होता है, नमक होता है, मिर्चा, तेल, हल्दी, जो भी है यानी उसमें जो भी यूज होता है वो सारा चीज आपको जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो चैप्टर को पढ़ने के लिए उसमें जो भी चीज जरूरी होता है, जो जानकारी चाहिए, उतना चीज आपको जानकारी जरूरी है, और उस जानकारी को आप जब तक नहीं जानते तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आखिर चैप्टर यानी टाइम एंड वर्क है क्या, टाइम एंड वर्क होता क्या है, और टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए, टाइम एंड वर्क, देखिए टाइम एंड वर्क जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। अब यहां पे देखिए, कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसमें दो चीज निर्भर करता है, आपका काम करने का कैपेसिटी यानी क्षमता, जिसको हम लोग इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, और एक समय। दो चीज मैटर करता है, जिस स्पीड में आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि समय खर्च होगा। काम अगर ज्यादा तेजी से करते हैं तो समय कम लगेगा, काम धीरे धीरे करते हैं तो समय अधिक लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, और आप तेजी से पढ़ते हैं यानी कहने का मतलब क्या कि काफी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी है, और मेहनत नहीं करते हैं सही से तो लेट लगेगा, स्वाभाविक, क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं, अगर हम किसी रास्ते पर जाते हैं बाइक से हो या फिर किसी भी माध्यम से जाते हैं, तो उसके स्पीड पर निर्भर करता है कि उन जगहों पर हमें कितने जल्दी वह पहुंचा देगा। स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। तो बस उसी प्रकार का यहाँ पे क्या होता है कि टाइम एंड वर्क होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भाषा क्या क्या आएगा आपके सामने, तो किसी काम, किसी काम, उसी काम, वही काम, जो काम, जिस काम, का मतलब होता है एक काम, ठीक है? यह आपके क्वेश्चन में या लैंग्वेज के रूप में आएगा, किसी काम, उसी काम, वही काम, जो काम, जिस काम का मतलब क्या होता है एक काम होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी काम को एक दिनों में पूरा करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना होगा, 1/x भाग
वन बटा एक्स भाग। यदि कोई व्यक्ति कोई काम 10 दिन में करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? एक बटा 10 होगा। दो दिन में 2/10, तीन दिन में 3/10। यह काम निरंतर 10 दिन तक चलेगा और जैसे ही 10/10 काम होगा दोनों कर जाएगा, यानी एक काम कम्प्लीट होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि किसी काम को एक्स दिन में करता है, एक्स के जगह पर 10 दिन 20 दिन 50 दिन हो सकता है, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? 1/x भाग होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति एक्स बटा वाई भाग काम को जेड दिनों में पूरा करता है तो उसके द्वारा पूरा काम करने में लगा समय बराबर। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक्स बटा वाई भाग काम को जेड दिन में करता तो उसके द्वारा पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा? तो इसको कलर दीजिए, एक्स बटा वाई है ना, वाई बटा एक्स कर दीजिए और गुने जेड दीजिए, यानी इतना दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। देखिए, कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा क्या होता है? समय का अनुपात होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक दूसरे का विपरीत होता है। काम यदि हम स्पीड करते हैं तो समय कम लगेगा, काम हम धीरे धीरे करेंगे तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, इसलिए यह एक दूसरे का उल्टा होता है। आदमी के संख्या में यदि हम समय से गुना करते हैं तो कुल कार्य होता है, कुल कार्य होता है। यदि क्षमता में समय से गुना करते हैं फिर भी कुल कार्य होता है। अब यहां से देखिएगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। हमें क्षमता निकालना है, यानी कार्य क्षमता निकालना है। तो क्षमता बराबर क्या होगा? समय इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यानी भाग में, कुल कार्य बटा। यदि क्षमता निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कुल कार्य में समय से भाग देना होगा तो क्षमता निकल जाएगा। यदि हमें समय निकालना, समय तो क्षमता इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कुल कार्य बटा में क्षमता। यदि कुल कार्य में क्षमता से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। ठीक है, एक फेमस फॉर्मूला है MDH, M1 × D1 × H1 बटा में W1 बराबर M2 × D2 × H2 बटा में W2। यहां पे देखेंगे, यह आपका बायां पक्ष है और यह दायां पक्ष, यानी यह LHS है, इसको हम LHS बोलेंगे और इसको बोलेंगे RHS, यानी यह राइट साइड है बराबर के और यह
लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में दिया गया होता है उसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो हमसे पूछा जाता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। आखिर एम से क्या होता है, डी से क्या होता है, एच से क्या होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, ठीक है। एम और मैन यानी आदमी, यानी आदमियों का संख्या यहाँ पे लिखना है। इसके बाद डी फॉर डेज यानी समय यानी दिन, और एच फॉर आवर यानी घंटा, और बटा में डब्ल्यू फॉर वर्क यानी काम के जगह पर काम लिखेंगे। यानी पहला बात जो भी दिया गया रहेगा, दिया गया रहेगा उसको एलएचएस साइड में लिखेंगे, और जो पूछा जाएगा उसको आरएचएस साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना, इस चीज को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत जल्द आप क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। हम ऐड कर दे रहे हैं, क्रिएट करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए उस पे पेन चलाना है सर, वहाँ पर सर ऊपर पेन है, ऊपर देखिए पेन, हाँ उसको ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए कहीं, हाँ देखिए इसका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ए काम करता है तो इसे कितना समय लगता है, 10 दिन का। जब बी काम करता है उसी काम को करने में इसे कितना समय लगता है, 15 दिन लगता है। यदि दोनों मिल करके काम करेगा तो कितने समय में काम समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप जान चुके हैं कि यह एलसीएम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क यानी यह कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य हम एलसीएम के माध्यम से निकालिए। कुल कार्य में समय से भाग देंगे तो इसका क्षमता निकलेगा कि नहीं, तो देखिए हाँ एफिशिएंसी निकलेगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा 3 बार में, 15 से डिवाइड कीजिएगा 2 बार में। ए का क्षमता है कि प्रतिदिन यह 3 काम करेगा तब ना 10 दिन में 30 काम कर देगा, और बी का क्षमता है कि प्रतिदिन यह 2 काम करेगा तो 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। जब दोनों मिल करके काम करेगा, तो 30 काम टोटल है, और हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा क्षमता। हम समय निकालने जा रहे हैं कि दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कुल कार्य 30 है और दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा। तो 3 × 2 5 से डिवाइड कर 6 बार, यानी 6 दिन में दोनों मिल करके जब काम करेगा तो 6 दिन में काम समाप्त कर सर। यदि आप सभी को मेरा क्लास करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास का एड्रेस है मुसल्लापुर हाट, विश्वनाथ मार्केट, सब्जी मंडी, निखिल कोचिंग सेंटर, सब्जी मंडी, हाँ सब्जी मंडी मुसल्लापुर हाट, वहाँ पे आना है। इसके बाद आपको विश्वनाथ मार्केट में आना है, वहाँ पे निखिल लाइब्रेरी या निखिल कोचिंग सेंटर होगा, उसी के अंदर आपको आना है। और हाँ यह क्लास 2 दिन चलता है, बिल्कुल निःशुल्क चलता है, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि आपको मदद करें, और मेरी मदद यानी मेरी मदद से अगर आपका भविष्य सवर रहा है तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा गुरुदक्षिणा होगा, और आपका रिजल्ट ही हमारा पहचान होना चाहिए, इस पर हम काम कर रहे हैं। और आपका अगर भला होगा तो आप जरूर है कि हमें विश्वास है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ पढ़ना नहीं सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास आएं। और आप यदि आने वाले समय में या अभी से ही
आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार एसएससी के तहत आपका स्टेनो का वैकेंसी आया है उसका तैयारी करने वाले हैं, या फिर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी करने वाले हैं, तो आइए हमसे जुड़िए। और हाँ, दो दिन चलता है, दो दिन आपको सैटरडे को आना है शाम में 4 बजे से, और संडे को आना है सुबह में 7:30 बजे से। यह आपका 2.5 से 3 घंटे का क्लास चलता है। पिछले सप्ताह में जो चीज़ हम पढ़ाते हैं उस सप्ताह में जो भी पढ़ाई हुआ है उस सभी का टेस्ट जो होता है उसके अगले सप्ताह में करवाया जाता है। सबसे पहले उस चैप्टर का आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद फिर से कोई नया चैप्टर शुरू किया जाता है, और प्रत्येक दिन यानी सैटरडे को अगर हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो कोशिश रहता है मेरा कि सैटरडे को हम एक चैप्टर कंप्लीट कर दें, इसके बाद संडे को भी एक चैप्टर कंप्लीट कर दें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको पूरे 5 दिन 6 दिन आपको समय मिल रहा है रिविजन करने के लिए, इसके बाद आपको एक दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो सोचिए कि एक सप्ताह में 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो एक महीना में 4 सप्ताह होता है, 4 सप्ताह में आपका 8 चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अगर हमें अपना कीमती समय देंगे तो आप विश्वास रखिए कि आप मैथ सीख जाएंगे। मैथ से डरना नहीं है, और मैथ किसी भी एग्जाम के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ के बिना आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आइए जुड़िए हमसे, और हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए ही जिएंगे और आप लोगों के लिए ही कुछ करेंगे, ठीक है। और समर्पित है, अपने आप को समर्पण कर चुके हैं स्टूडेंट के।